आमाद निकट नहीं जाई, मगधि जाके उर माही, करल सुधास मयारित होई, तै मन बिनु सुख पावन को व्यापै मानस लोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर बस जाके, दुर्लभ ले जन सपन उताके, चतुर शिरोमण तेई जग माही, मन लाग सुजतन सोमणि जद प्रगट जग आई, हम कृपा बिनु नहीं गोल, सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग दे भट में। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनानम, मरमी सज्जन सुमति खुदारी, भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाउ मगधि मनि सब सुखकारी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम यदि कर दासा, हम सिंधु घन सजन भीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर बल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। हरि जय कर सत संगा, साम भगति तई सुलभ हंगा, ब्रह्म पयो निधि मंदर संत सुरया, कतो सुधावति गाढ़ विगत ताया, विरति चर्मयति ज्ञान मनु लोभ मोहन पुमार, जय पाइय सो हरि भगति गुगम से विचार सिया, राम जन्म की जय, देव की जय। आज के सत्संग में आप सभी भक्त जनों का स्वागत है। अभी आपके सामने रामचरितमानस की गोस्वामी जी की जो चौपाइयाँ पढ़ी गईं, कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊँ भगति मनि कह प्रभुताई। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी हमने भगवान परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रमुख रूप से दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तो ज्ञान मार्ग को ज्ञान दूपक का रूपक देते हुए गोस्वामी जी ने बड़ी विशद व्याख्या ज्ञान दीपक की थी। अब वो कहते हैं कि अभी हमने आप सबको कलयुग में परमात्म प्राप्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए ज्ञान दीपक की महिमा बताई, अब मैं आपको कहूँ भगत मन के प्रभुताई, अब हम मणि भक्ति के रूप में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ भक्तजनों को ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीपक का जैसा निरूपण किया गया उसमें कुछ कठिनाई हो, जैसे वो दीपक हवा के माध्यम से बुझने की संभावना रहती है विषय बयारी के द्वारा, तो हम भक्ति मणि का एक अच्छा सा अवसर देते हैं कि मणि में कहीं बुझने की आवश्यकता नहीं, संभावना नहीं है। तो अधिक न कह करके
वो भक्ति मणि क्या है, भक्ति मणि हमारे जीवन में कैसे उतरे, स्थाई स्मृति भगवान की कैसे आवे, अपना हम कल्याण कैसे कर सके, जगत का कल्याण कैसे हो, और हमारे इस मानव जीवन के शरीर रखने का जो चरम लक्ष्य है उसको इसी जीवन में हम भक्ति मणि के द्वारा कैसे प्राप्त करें, इन सब बातों के केंद्र में जो है रख करके हमारे परम विद्वान परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री रामकृष्ण तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि हमें मणि भक्ति के रूप के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री तिवारी जी,